नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सोफ्थम एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ सोफ्थमों की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। हर बार की तरह इस बार भी कुछ अलग विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होने जा रहे हैं। आज का हमारा यहाँ पे जो विषय है, दो यूनिवर्सिटी का कंपेरिजन है जो यूक्रेन में आए हुए हैं। एक यूनिवर्सिटी है इवानो फ्रेंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड दूसरा है टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे ये दोनों यूनिवर्सिटी का हम लोग कंपैरिजन करने जा रहे हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी बेटर है और उसका रीज़न क्या है वो यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपने ये वीडियो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें ताकि आने वाले वीडियो के भी आपको बेनिफिट मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, बात शुरू करते हैं यहाँ पे इवानो फ्रेंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी वर्सेस टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कॉलेज हिस्ट्री की बात करेंगे। तो इवानो फ्रेंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1945 को, और उसके सामने अगर टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो करीबन 1957 के अंदर उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। दोनों का अगर डिस्टेंस की बात करेंगे इंडिया से, तो उसे डिस्टेंस दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर बोल सकते हैं। इवानो फ्रेंकिस का जो डिस्टेंस है वो करीबन 4,940 किलोमीटर है, जबकि टर्नोपिल का जो डिस्टेंस है इंडिया से वो करीबन 4,887 किलोमीटर है। दोनों डिस्टेंस पे एक जैसे दिखता है आपको, लेकिन वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होती है वो मायने रखती है। तो यहाँ पे अगर इवानो की बात करेंगे तो इवानो के अंदर डोमेस्टिक एयरपोर्ट आया हुआ है, एज वेल एज वहाँ से 2 घंटे के डिस्टेंस पे लव्यू का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अवेलेबल है, एज वेल एज रेलवे स्टेशन भी वहाँ पर अवेलेबल है, बस डेपो भी अवेलेबल है, एज वेल एज रोड ट्रांसपोर्टेशन भी अवेलेबल है। उसके सामने अगर टर्नोपिल की बात करेंगे तो टर्नोपिल जो है उसके अंदर डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं अवेलेबल। उसके लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट अगर है तो इवानो का है जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, और लव्यू का है जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। दोनों का डिस्टेंस ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है यहाँ पे। उसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एक्रेडिशन के बारे में, एक्रेडिशन की जब बात करेंगे तो इवानो फ्रेंकिस मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसका एक्रेडिशन देखेंगे तो MCI से एक्रेडिटेड है ये। उसके अलावा WHO से भी एक्रेडिटेड है, और उसके अलावा ECFMG एज वेल एज GMC से भी एक्रेडिटेड है। उसके सामने अगर टर्नोपिल की बात करेंगे तो टर्नोपिल जो है वो MCI से एक्रेडिटेड है, एज वेल एज WHO से भी एक्रेडिटेड है, और उसके अलावा ECFMG और GMC से भी एक्रेडिटेड है। तो एक्रेडिटेशन का कोई यहाँ पे दोनों यूनिवर्सिटी में दिक्कत नहीं है। इंटरनेशनल स्टूडेंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो इवानो फ्रेंकिस के अंदर करीबन 1,000+ स्टूडेंट अवेलेबल है, और टर्नोपिल में बात करेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रेंथ यहाँ पे भी बोल सकते हो, वहाँ पे भी 1,000+ स्टूडेंट आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद पॉपुलेशन की बात करेंगे तो इवानो फ्रेंकिस का जो पॉपुलेशन है वो करीबन 3 लाख के आसपास है, 3 से 3.5 लाख के बीच में, जबकि टर्नोपिल का जो पॉपुलेशन है वो करीबन वो 2.25 लाख के आसपास बोल सकते हैं आप। उसके बाद अगर हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट की और उसकी बात करेंगे तो इवानो फ्रेंकिस के अंदर करीबन 48 डिपार्टमेंट्स आए हुए हैं, जबकि टर्नोपिल के अंदर करीबन 55 डिपार्टमेंट्स आया हुआ है। एफिलेटेड हॉस्पिटल की बात करेंगे तो इवानो फ्रेंकिस के अंदर करीबन 20+ हॉस्पिटल आपको देखने को मिलेंगे, जबकि टर्नोपिल के अंदर 18+ हॉस्पिटल आप बोल सकते हो यहाँ पे। टीचर की अगर बात करेंगे तो इवानो फ्रेंकिस के अंदर करीबन 600+ टीचर्स है, जबकि टर्नोपिल के अंदर 550+ टीचर्स है आज की डेट में। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो ट्यूशन फीस के बारे में, ट्यूशन फीस की अगर बात करेंगे तो इवानो फ्रेंकिस का जो फीस है वो $4,000 है, जबकि अगर टर्नोपिल की बात करेंगे तो हर साल का उसका फीस का वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट ईयर में उसका जो फीस शुरू होता है वो $3,800 से शुरू होता है, और उसका लास्ट ईयर में फीस जो जाता है करीबन $4,500 तक जाता है, जो कि एक स्टेबिलिटी आप नहीं बोल सकते हो, स्टूडेंट को कई बार कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है फीस स्ट्रक्चर उसका। उसके बाद अगर हॉस्टल फीस की बात करेंगे तो इवानो फ्रेंकिस का जो है हॉस्टल फीस वो करीबन $380 है, जबकि उसके सामने अगर टर्नोपिल की बात करेंगे तो $650 उसका हॉस्टल फीस है। उसके बाद अगर लिविंग स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो इवानो के अंदर एकोमोडेशन और हर एक चीज़ इजीली अवेलेबल हो जाती है, टर्नोपिल में थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, दैट मीन्स कि थोड़ा एक्सपेंसिव हम बोल सकते हैं कंपेटिव। इंटरनेशनल रेस्टोरेंट की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे तो इंटरनेशनल रेस्टोरेंट में इवानो के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी कंपेटिव तो टर्नोपिल। और इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो वो बात आती है FMG रिज़ल्ट के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम लोग 2012 से 2014 की बात करेंगे तो इवानो का जो रिज़ल्ट है करीबन 20 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, जिसमें से 3 बच्चे क्वालिफाइड हुए थे, यानी कि यहाँ पे रिज़ल्ट था करीबन 15% था। जबकि टर्नोपिल की बात करेंगे हम तो करीबन 135 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था, जबकि 17 स्टूडेंट क्वालिफाइड हुए थे, यानी कि यहाँ पर जो रिज़ल्ट था वो 12.6% था।
अगर 2015 टू 18 की बात करेंगे तो यहाँ पे इवानो के अंदर करीबन 380 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था और 131 स्टूडेंट क्वालिफाइड हुए थे, यानी कि जो रिज़ल्ट था वो करीबन 34.47% बोल सकते हो आप यहाँ पे। जबकि टर्नोपिल की अगर बात करेंगे तो 115 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था और 12 जितने स्टूडेंट क्वालिफाइड हुए थे, यानी कि 10.43% रिज़ल्ट यहाँ पे इसको बोल सकते हैं। और उसके बाद 2019 की बात करेंगे जो कि लेटेस्ट बोल सकते हो आप, यहाँ पे 264 बच्चों ने इवानो में एग्ज़ाम दिया था और करीबन 93 स्टूडेंट क्वालिफाइड हुए थे, यानी कि रिज़ल्ट जो था 35.23% था। जबकि टर्नोपिल के अंदर करीबन 46 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था और 10 स्टूडेंट क्वालिफाइड हुए थे, यानी कि रिज़ल्ट जो था 21.74% था। तो ये अगर हर एक डॉक्यूमेंट को हम लोग कंपेयर करते हैं यहाँ पे, तो इवानो को हम लोग बेटर ऑप्शन काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी हमने कंपेरिजन किया हुआ है एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के रेफरेंस पे बेस किया हुआ है, या फिर दूसरे जो भी ऑनलाइन सोर्सेज अवेलेबल है जो कि रिलायबल है उसके बेस पे यहाँ पे पूरा कंपेरिजन किया गया है। तो आई थिंक दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करना ना भूलें एवं अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें। उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको मेल करना है तो जो मेल आई डी नीचे रिफ्लेक्ट हो रहा है वो मेल आई डी के ऊपर आप मेल भी कर सकते हो। उसके अलावा हमारा चैट सेक्शन अवेलेबल है जहाँ पे जाके आप चैट भी कर सकते हो। और दूसरा, अगर ये चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें ताकि आने वाली वीडियो के आपको बेनिफिट मिल पाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, टेक केयर।